वेलकम बैक टू माय चैनल जेके लेवरियस। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि IRCTC के वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट कैसे बुक किया जाता है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद इसमें आपको लिखना है IRCTC। देखिए, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जा सकते हैं साइट पे। देखिए, आप जहां से गाड़ी पकड़ना चाहते हैं, ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, उस स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा और आपको जहां जाना है वहां 2 में लिखना है। जहां आपको जाना है वहां उस वर्ड 2 में भरना है और जहां से आप गाड़ी पकड़ना चाहते हैं उसको फॉर्म में डालना है। यहां से आप अपना डेट चूज कर सकते हैं कि आपको किस डेट में चाहिए, किस महीने में चाहिए। चलिए, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, अपना डेट चूज कर ले रहा हूँ। देखिए, उसके बाद यहाँ पे मैं ऑल क्लासेज रहने देता हूँ, यहाँ से जनरल कोटा रहने देता हूँ। यहाँ से आप अगर सीनियर सिटीजन के लिए आप अपना देखना चाहते हैं सीट, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए देखना चाहते हैं तो इस पर, और पर्सनल विथ अटैच अगर विकलांग है आप तो इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑल क्लासेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ए सी में चाहिए या सेकंड एसी में चाहिए, फर्स्ट एसी में, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऑल क्लासेस में रहने देता हूँ और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। देखिए, क्लिक करने के बाद जितनी भी गाड़ी होगी, आनंद विहार से मैं सर्च किया हूँ, तो जितनी भी गाड़ी होगी दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, ओल्ड दिल्ली से, आनंद विहार जंक्शन से, वो सब दिखाई दे देगी। अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर लिच्छवी एक्सप्रेस है जो कि 6 बजे शाम को चलती है ये, और ये कल 17 माने एक दिन बाद ये पहुंचा देती है छपरा। तो चलिए, मैं स्लीपर में देख रहा हूँ इसमें कितना सीट है। देखिए, इसमें वेटिंग लिस्ट है 12। तो चलिए, अप्रैल में मुझे टिकट करना है तो ये 12 वेटिंग है, ये तो कंफर्म हो जाएगी, ये कंफर्म है। इस पर मुझे क्लिक कर देना है। देखिए, आप देख सकते हैं CNF प्रोबेबिलिटी कन्फर्म होने की संभावना कितना है, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, 84% चांस है कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके उसके बाद आपको बुक पे क्लिक कर देना है। बुक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको यूज़र आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आपको पता नहीं है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ कि यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, यूज़र आईडी डाल दिया, उसके बाद मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। और इसमें आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही कैप्चा इसमें फिल कर देना है। तो चलिए, मैं कैप्चा फिल कर दे रहा हूँ। फिल कर दिया, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। देखिए, ये आ गया। उसके बाद देखिए, इसमें आपको पैसेंजर डिटेल्स, इसमें पैसेंजर का नाम लिखना है। चलिए, मैं नाम लिख दे रहा हूँ। इसमें एज डाल देना है, इसमें अपना जेंडर चूज कर लेना है, इसमें इंडिया, इसमें आधार कार्ड डाल देना है। और यहाँ से आप अपना कौन सा सीट पसंद करना चाहते हैं, साइड लोअर साइड अपर, अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको नीचे आना है, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है कॉन्टेक्ट डिटेल में, उसी पर मैसेज जाएगा। और यहाँ से आपको इसी पर रहना देना है पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। और उसके बाद अगर भीम UPI से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से बता रहा हूँ कि कैसे पेमेंट किया जाता है, उस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। देखिए, उस पर क्लिक कर दिया। और देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिखा रहा है, कैप्चा इसमें फिल कर देना है। कैप्चा में फिल कर दे रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए, आ गया। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप जिससे आप अपना पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, या इससे ये भी IRCTC क्रेडिट डेबिट कार्ड है, इससे भी आप कर सकते हैं। मल्टीपल पेमेंट सर्विस, इसमें भी आप पेटीएम, फ़ोनपे, जिससे अपना करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर वैलेट कैश है, और वैलेट से आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ EMI, बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं चलिए IRCTC iPay में बता रहा हूँ। इसमें भी आपको अपना ATM कार्ड नंबर डालना होता है, उसके बाद पे एंड बुक पे क्लिक कर देना है। देखिए, आ गया।
उसके बाद देखिए, अगर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, क्रेडिट से करना चाहते हैं तो इस पर, यूपीआई से करना चाहते हैं तो इस पर। तो मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करते हैं डेबिट कार्ड, और इसमें आपको अपना नंबर डाल देना है, एटीएम नंबर। तो चलिए मैं डाल दे रहा हूँ। और इसमें आपको अपना एक्सपायरी डेट कितना, आपका जो एक्सपायरी डेट रहता है आपके एटीएम पर, वो डाल देना है कि कब आपका एटीएम एक्सपायर होगा। उसके बाद इसमें आपको एटीएम के पीछे 3 अंक दिया रहता है, CVV में वही डालना है। और उसके बाद इस पर आपका एटीएम पे जो नाम लिखा रहता है, जिसके नाम से एटीएम रहता है, उसका नाम डाल देना है, इसमें डाल देना है। और देखिए, उसके बाद पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पे पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा जो आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसमें OTP आपके मोबाइल पर गया होगा, जैसे ही आप इसमें OTP डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका टिकट हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें OTP डालिएगा और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका टिकट हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको डेमो क्लास दे रहा था, डेमो बता रहा था कि कैसे टिकट किया जाता है। जब आप अपना टिकट कर लीजिएगा तो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप अपना टिकट देख सकते हैं। देखिए, आप जैसे ही आप अपना टिकट कर लेंगे, उसके बाद चलिए मैं लॉगिन हो जा रहा हूँ। लॉगिन हो जाइएगा अपना। चलिए मैं लॉगिन हो जा रहा हूँ। लॉगिन साइन इन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। चलिए, इसमें मैं कैप्चा कोड डाल दिया था। देखिए, योर लास्ट, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको माई अकाउंट ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें माई ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। माई ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा बुक्ड टिकट हिस्ट्री, इसमें आप अपना जाकर देख सकते हैं आपका टिकट हुआ है कि नहीं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपना टिकट देख सकते हैं। अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा आपका टिकट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।